हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है जो कि रहेगी 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसका VXI वाला वेरिएंट जो कि इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एंड सबसे ज़्यादा यही वाला मॉडल बिकता है स्विफ्ट का। तो यहाँ पे इसकी ये चाबी है, सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ, एंड दोनों आपको यहाँ पे रिमोट की मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इस कार के इंजन की, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 82 BHP ऑफ पावर एंड 113 NM ऑफ टॉर्क। एंड ये बेसिकली एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम गियर बॉक्स ऑप्शंस की बात कर लें तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन या 5-speed का AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें इस कार के फ्रंट ओवरव्यू की, तो इसका जो फ्रंट ओवरव्यू है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड इस कार का जो सामने से लुक आता है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है एंड बढ़िया लुक आता है इस कार के फ्रंट का। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें इस कार का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ पे जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो होती है इसके टाटा टियागो के साथ, मारुति बलिनो के साथ एंड ग्रैंड आईटन नियोस के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लें इस कार के हेडलाइट्स की, तो आपके यहाँ पे मिल जाते हैं हैलोजन हेडलाइट्स जो कि काफ़ी अच्छे लुक में आते हैं। एंड अगर आप इसका टॉप वाला मॉडल लेते हैं जो कि ZXI+ होगा, तो वहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद डे टाइम रनिंग लैंप्स। नीचे अगर हम आए तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्कर्टिंग जो कि जहाँ पे आप फॉग लैंप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, एंड ये काफ़ी अच्छे लुक में आता है, ब्लैक पार्ट है वैसे ये। एंड यहाँ पे आपको सी शेप में बम्पर मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी अच्छे लुक में आता है एंड सामने से ये कार काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगती है दिखने में। देन नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे आपको जो बम्पर की फिनिशिंग मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है दिखने में। एंड यहाँ पे रेडिएटर एरिया की बात करूँ तो रेडिएटर एरिया अगर आप नीचे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक एंड अच्छा है दिखने में। एंड ऊपर जो ग्रिल है वो काफ़ी अच्छे लुक में आता है। अगर आप इसका टॉप वाला मॉडल लेते हो तो वहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगी चारों तरफ, अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है दिखने में। एंड आप इसका एक बार साइड से होल लुक देख लीजिए, अंडर 4 मीटर इसकी लेंथ है एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें इस कार के व्हील्स की, तो आपके यहाँ पर मिल जाते हैं 14 इंच के व्हील्स। जहाँ पर अगर हम टायर डायमेंशंस की बात करें तो 165 सेक्शन 80 और 14 आपके यहाँ पर व्हील साइज मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छे साइज़ है इस कार के हिसाब से। अगर हम बात कर लें इस कार के ओवियंस की, तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवियंस मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ टर्न इंडिकेटर्स। ये रिट्रैक्टेबल नहीं होंगे बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं ये। यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जहाँ पे अगेन एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, आप यहाँ पे अगेन साइड पैडिंग लगवा सकते हो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो कि जेन्युइन एक्सेसरी होती है मारुति सुजुकी की। यहाँ पे आपको विंडो क्रोम गार्निश का भी ऑप्शन मिल जाता है एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। आपको अगर हम डोर के लुक की बात करें, डोर जिसका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डोर है जिसके वजह से गाड़ी के अंदर घुसना निकलना काफ़ी ईजी है। एंड डोर के लुक की बात करूँ तो अगेन काफ़ी अच्छे लुक में आता है इस कार का डोर। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक डोर मिल जाता है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कार्बन फाइबर की इंसर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, डोर को लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन दिया गया है। यह आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक है विंडोज़ के लिए। साइड में मिरर्स को एडजस्ट करने का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। देन आपको यहाँ पर फैब्रिक इंसर्ट्स मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको फैब्रिक इंसर्ट्स मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल रखने की स्टोरेज दी गई है। देन आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत और पॉकेट्स मिल जाती है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है। एंड अगर आप ZXI वाला मॉडल लेते हैं तो वहाँ से आपको ट्विटर स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे ZXI से आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि अगेन काफ़ी अच्छे लुक में आते हैं। एंड आप इस कार का एक बार इंटीरियर का होल लुक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक आता है इस कार के इंटीरियर का। तो सीट्स की बात करें तो सीट्स अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आती है, कुशनिंग वाइज भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। एंड यहाँ पे आपको सामने एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड एक चीज़ जो अप्रिशिएट करनी होगी वो ये है कि आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाती है जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। एंड ओवरऑल जो इस कार के सीटिंग एडजस्टमेंट्स है, तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट पे सीट्स मिल जाती है अलॉन्ग विद रिक्लाइन एंड टिल्ट ऑप्शन। एंड आप इसे आगे और पीछे भी कर सकते हैं सीट को, तब इस कार के अंदर बैठते हैं।
तो कार के अंदर बैठने के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार के स्टीयरिंग की, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मिलता है वो अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक में आता है। यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम डी कट स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल्स की बात कर लें तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर योर इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपको वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन दिया गया है, चैनल को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, म्यूट का ऑप्शन दिया गया है, और नीचे आपको यहाँ पे फ़ोन रिसीव और काटने का ऑप्शन दिया गया है, अलॉन्ग विथ ब्लूटूथ का मोड का ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे। सुजुकी का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है अलॉन्ग विथ क्रोम गार्निश जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। एंड अगर आप इसका ZXI वाला मॉडल लेते हैं तो वहाँ से आपको यहाँ पे इंसर्ट्स मिल जाते हैं एल्यूमिनियम की जो कि इससे काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। देन साइड में अगर हम आ जाए तो आपको यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है। ऊपर एसी वेंट्स की बात करूँ तो एसी वेंट्स अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आते हैं। आप इसे बंद भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे करके, एडजस्टेबल तो ऑब्वियसली ये रहने वाले हैं। स्टॉक्स की बात कर लें तो लेफ्ट वाला जो स्टॉक है वो आपके वाइपर्स के लिए है, वाइल जो राइट वाला स्टॉक है वो है आपके इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स के लिए। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो अगेन काफ़ी अच्छे लुक में आता है, तो अभी इसे एक बार ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रेड इल्यूमिनेशन मिल जाती है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में, एंड ओवरऑल बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कार के फीचर्स की इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो लेफ्ट में आपको मिल जाते हैं आपका टैकोमीटर, बीच में आपको मिल जाता है आपका MID, एंड राइट में आपको मिल जाता है आपका स्पीडोमीटर। तो आप इसे यहाँ से ब्राउज करके डिफरेंट मोड्स में जा सकते हैं, ये आपके एवरेज माइलेज रेंज माइलेज, देन यहाँ से आप डिफरेंट और मोड्स में जा सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, फ्यूल मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऊपर आपको यहाँ पे वार्निंग लाइट्स मिल जाती है सारी। देन बात करें इस कार के सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल है वो अगेन काफ़ी अच्छे लुक में आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है इस कार के सेंटर कंसोल का। एंड जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला यूनिट है ये थोड़ा ड्राइवर का साइड है जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉकपिट जैसे फीलिंग आती है, बट अच्छा लगता है दिखने में काफ़ी। एंड यहाँ पे एसी वेंट्स की बात करें सेंटर में तो काफ़ी अच्छे लुक में आते हैं, एंड आप इसे ऐसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैजर लाइट का ऑप्शन दिया गया है, ये आपका लाइट है, जब कार लॉक हो जाएगी तो ये ब्लिंक करती रहेगी जो जिसका मतलब है वो इमोबिलाइजर का बेसिकली लाइट है। एंड सेंटर में अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपके यहाँ पर 2 DIN का सिस्टम मिल जाता है जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ ऑक्स FM रेडियो एंड USB, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, काफ़ी सारे मारुति की गाड़ियों में आता है। एंड इस कार की जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो अगर मैं हो सके तो एक बार आपको ट्राई करके सुना देता हूँ। तो अभी ये सिंस कार डीलरशिप के अंदर इसलिए सिग्नल बेस्ट नहीं आ रहा, मैंने इस कार का जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है इस कार के स्पीकर्स का। नीचे अगर हम आए तो आपको यहाँ पे मैनुअल AC मिल जाता है, आप यहाँ से अपने ब्लोअर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, AC का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है AC ऑन ऑफ करने का, डिफरेंट मोड्स में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, एंड ये आपका एयर मोड्स को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे। देन और नीचे आए तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आपका USB और ऑक्स सॉकेट, एंड लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है, एंड ट्विन कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अगेन। देन ये आपका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाती है चारों तरफ गाड़ी के। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत और स्टोरेज मिल जाती है हैंड ब्रेक के नीचे, एंड यहाँ पे जो हैंड ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छे लुक में आता है, बेसिकली सेम ही हैंड ब्रेक है जो आपको दूसरे मारुति की गाड़ियों में मिलता है। देन यहाँ पे आपको अगेन एक काफ़ी अच्छी एल्यूमिनियम की फिनिशिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी है दिखने में। यहाँ पे अगर हम रियर व्यू मिरर की बात करें तो डिमिंग फीचर के साथ आती है, मैनुअली डिम करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। जो वैनिटी मिरर है ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिल जाता है टिकट होल्डर, एंड आप इसे यहाँ से ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो निकाल के। देन को ड्राइवर साइड की बात करें तो वहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है बट लाइट नहीं मिलती, एंड अगेन आप इसे ऐसे निकाल के यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है सेंटर में, सॉरी सामने आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है अलॉन्ग विद तो माइक्रोफोन्स, सेंटर में आपको लाइट नहीं मिलती, उसके लिए आपको ZXI मॉडल लेना पड़ेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो अगेन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड आई थिंक सामने के हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है, तो अगर आपको लगता है मैं कुछ बताना भूल चुका हूँ तो आप मेरे को कमेंट से बता देना। तो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस,
एंड मैंने ये सीट बिल्कुल पीछे कर रखी है, तो अभी रियर सीट में जाके देखते हैं कितने स्पेसिंग मिलती है हमें। तो आप इस कार का एक बार रियर डोर का भी लुक देख लीजिए, काफ़ी अच्छे लुक में आता है इस कार का रियर डोर। एंड यहाँ पे जो इसका डोर हैंडल्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिकली प्लेस्ड हैं, जबकि पिलर्स पे ऐसे आते हैं। एंड ओवरऑल डोर की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लाइट डोर है, ईजिली आप इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, इवन वन फिंगर से भी आप इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, इतना लाइट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस कार के रियर के डोर के लुक का, तो यहाँ पे भी आपको सेम ब्लैक फिनिश मिल जाता है, ऑल ब्लैक फिनिश मिलता है, बट यहाँ पे आपको सरप्राइजिंगली कोई भी फैब्रिक इंसर्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि आई थिंक देना चाहिए था इन्हें पीछे भी। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, हाफ लीटर की बॉटल रखने की स्टोरेज दी गई है, स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंड अगेन क्रोम डोर हैंडल्स आपको अंदर मिल जाते हैं, एंड थोड़ी बहुत स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड आप इस कार के एक बार रियर का होल लुक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लुक आता है इस कार के रियर के डोर का। एंड जिस कार में विंडो एरिया है सामने तो काफ़ी अच्छा है, पीछे थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से हो सकता है जो थोड़े टॉल पैसेंजर्स हैं उनको थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आ सकती है। ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो ऊपर रूफ है वो प्लेन है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में जब इस कार के रियर में बैठते हैं। तो मैं भी इस कार के रियर में बैठ चुका हूँ, एंड मेरे पास ऑनेस्टली बिल्कुल भी स्पेस है नहीं, मेरे लेग्स एक्चुअली इसमें टच हो रहे हैं, बट स्टिल ये सीट बिल्कुल पीछे कर रखी है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा और आगे कर देंगे तो पीछे आराम से दो बड़े लोग बैठ सकते हैं, अलॉन्ग विथ वन एक छोटा बच्चा आराम से बैठ जाएगा दो बड़े लोगों के साथ। एंड ओवरऑल बताऊँ तो रियर का जो सीट की कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, अंडर साइड सपोर्ट थोड़ा पुअर है, बट जो हेडरूम है वो काफ़ी डिसेंट है, एंड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं को पैसेंजर के लिए भी, बट ड्राइवर के लिए नहीं मिलता। एंड पीछे अगर हम और बात करें तो आपके यहाँ पे एक कप होल्डर मिल जाता है, आपके यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट या हेडरेस्ट एडजस्टेबल वाला नहीं मिलता, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के लिए आपको अपर वेरिएंट लेना पड़ेगा, ये आपके सीट बेल्ट रहने वाले हैं। तो अभी आई थिंक मैंने पीछे के हिसाब से भी सब कुछ बता दिया है, तो अब चलते हैं इस कार के बिल्कुल रियर में। तो आप इस कार का एक बार रियर से होल लुक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लुक आता है इस कार के रियर का। एंड यहाँ पे जो रियर में टेल लाइट्स है, यहाँ पे आपको एलईडी टेल लाइट्स मिलने वाली है, सी शेप में आपको यहाँ पे लाइट्स मिलती है रियर में, इंडिकेटर आपको यहाँ पे हैलोजन मिलने वाला है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रियर में, तो यहाँ पे आपको कोई भी वॉशर डिफॉगर नहीं मिलता वाइपर के साथ, एंड उसके अगर आपको वॉशर डिफॉगर और वाइपर चाहिए तो आपको ZXI वाला मॉडल लेना पड़ेगा। नीचे अगर हम आ जाए तो आपको यहाँ पे स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, चार पार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड जो रियर में बम्पर का लुक है वो भी अगेन काफ़ी अच्छे लुक में आता है। तब इस कार के एक बार बूट को खोल लेते हैं, उससे पहले आपको यहाँ पे हाई स्टॉप माउंटेड लैप मिल जाता है, तभी बूट को खोलते हैं, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो 268 लीटर्स की आपको यहाँ पे स्पेसिंग मिलती है, एंड काफ़ी ज़्यादा डिसेंट इस कार के साइज के हिसाब से। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं इस साइड, उस साइड आपको नहीं मिलता, सिर्फ इसी साइड मिलता है हुक। एंड यहाँ पे अगर हम इसे खोल लें नीचे, यहाँ पे आपको अगेन एक स्पेयर व्हील मिलता है जो कि आपका 14 इंच का रहने वाला है ऑब्वियसली। तो अब चलते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स में। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कार के सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं डुअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट, उसी के साथ आपको यहाँ पे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, अलॉन्ग विद डैट यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बात है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनली इस कार के एक और बार इंजन की बात करें, यहाँ पे आपको सिंगल इंजन मिलता है जो कि आपका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन रहेगा, जो प्रोड्यूस करता है 82 BHP की पावर एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे 5 स्पीड का AMD ट्रांसमिशन का ऑप्शन ले सकते हैं। सो अगर आपको इसका टॉप मॉडल का भी रिव्यू देखना है जो कि ZXi+ है, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस कार के ZXi+ वाले वेरिएंट को। तो आप मेरे को कमेंट से बताइए कैसी लगी आपको ऑल न्यू 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपके पास फॉर श्योर आएगा। टिल देन बाय।